सिक्स टू सेवन टू है, सेवन एटलीस्ट ट्वाइस, 7 1 1 आ गया ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 6 1 1, तो एटलीस्ट ट्वाइस इससे ज़्यादा है, तो ये वाले आएंगे इसके अंदर, जिनकी वैल्यू जो भी है वो एटलीस्ट ट्वाइस से ज़्यादा है, मकसद ये नंबर ऑफ पार्टीशन एटलीस्ट मोर देन ट्वाइस या एटलीस्ट ट्वाइस। सर एटलीस्ट ट्वाइस में तो दो भी आएगा, दो या दो से ज़्यादा होता है, यानी उसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता है, उसमें टू भी कंसीडर होता है, यानी अगर कोई वैल्यू दो दफ़ा रिपीट हो रही है तो वो भी आएगी, और दो से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है तो वो भी आएगी, तो इसमें वो ट्वेंटी भी टू आएगी, बन, बिल्कुल इसमें आई गेस टोटल ट्वेंटी टू लेकिन है। जैसे ये एक एक दफा रिपीट हो रही है तो वो नहीं आएगी। सर जिसमें जो जो ट्वाइस है ना, जी ट्वाइस सर, से मोर है, वो 21 पार्टीशन आ रही है यहाँ पे, अच्छा जिसमें कोई भी डिजिट टू या टू से ज्यादा टाइम आ रहा है। अच्छा उसके बाद फिर वो जो दूसरा पोर्शन है, ये आपने लिख लिया सारा, जिन लोगों ने लिखा वो तो लिख लें भाई, क्योंकि बहरहाल ये कि आपके पास डेफिनेटली मैथमेटिका होगा, मैथमेटिक्स से बहुत सारी चीज़ जो है ना इंटीजर पार्टीशन की हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन जब थ्योरी आती है तो थ्योरी आपको खुद करनी पड़ती है। सर ये टोटल 22 बनते हैं। अच्छा ऐसे करें कि वो जो 22 बनते हैं आप एक जगह लिख लें, जी और फिर जो दूसरे हैं ये जो हैं, मैं 9 के कहा था ना, जी सर, 9 के ही आपने कहे हैं। हाँ 9 का, तो मैं 9 का ही निकाला है यहाँ पर। तो इसके बाद आप ये करें कि उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो किसके बराबर होंगे, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। आपके पास मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। आप यहाँ हेल्प कमांड में जाएं, वहाँ लिखें इंटीजर पार्टीशन, तो बहुत बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। एनीवे, तो अभी हम चलते हैं आगे। इसका जो दूसरा पोर्शन है उसको भी करना है, उसको भी देखते हैं, मकसद ये कि कैसे कहा जाए। क्या हो रहा है आज, काम नहीं कर रहा ये। अब अठाई इसको मुझे एक दफ़ा ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा कंप्यूटर को, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। जस्ट वेट। अच्छा ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको आवाज़ आ रही है सर की? सर अभी क्लास में ही हैं आई थिंक, लेकिन जो है ना सर ने कहा है कि मैं अभी ना आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, अभी सर ज्वाइन करेंगे दोबारा। जज़ाकअल्लाह। ओके जी, ये सारी फॉर द डिले, ये कंप्यूटर थोड़ा सा मसला पैदा कर रहा है, पता नहीं क्या है इसको, कल मैंने जाना है यूनिवर्सिटी तो मैं देखता हूँ इसको। आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, यस सर। अच्छा बस ठीक है, तो ये है कि अब ये कि ये आपने पहला पार्ट तो कर लिया कि वेयर ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इज सेम एज द पार्टीशन ऑफ एन इन टू पार्ट्स व्हिच आर नॉट कंग्रुएंट टू वन और माइनस वन। तो ये ज़रा देख लें आप, यानी जैसे सेवन है वो इसके अंदर नहीं आएगा, फाइव है वो नहीं आएगा, और तो इससे अगर अगर वन है तो वो भी नहीं आएगा, वन वन वाले भी नहीं आएंगे। तो देखें ये दो क्या वो भी 21 ही हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये भी ज़रा देख लें, फिर हम इसके बाद शुरू करते हैं। और मुझे जब बना लिया तो मुझे ये फाइल भेज दें ताकि मैं इसको वो कर लें, क्या नाम है, आपस में शेयर कर लें इसको, या मुझे भेज दे मैं इसको शेयर कर लेता हूँ कि वेयर ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इज फॉर ऑल एन इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इनटू पार्ट्स व्हिच आर नॉट कंग्रुएंट टू वन और माइनस वन मार्ट सिक्स, क्योंकि उसी की मदद से हमने ही आगे चलना है। देखें वो सर वो इसका भी मतलब ये कि जिस पार्टीशन में 5 7 या 1 कुछ इस तरह से आएगा तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। हाँ सर, वो तो फिर 21 से कम हो है? वो तो फिर 21 से कम होंगी ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देख लें जरा। क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने तो आपको बताया कि आप कैलकुलेट करें, देखें फिर कितना आता है, तो उसके बाद फिर हम इसको देख लेते हैं। जैसे 9 इटसेल्फ ये इसमें आएगा, 8 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 7-2 वाले नहीं आएंगे इसके अंदर, क्योंकि 7 जो है ना वो तो कंग्रुएंट 1 आ रहा है ना, और 1 भी नहीं, 1 वाले भी नहीं आएंगे, तो देखें जरा कितने बनते हैं ये। सर किसी पार्टीशन में एक दफा भी वन हुआ तो वो नहीं आएगा, मेरे ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक है,
आगे पूरे पूरे आगे सर, दोनों बराबर होंगे मेरे ख्याल में। सर क्या बराबर होंगे इसमें, कौन से बराबर होंगे? तो अभी तो क्या कर रहे थे हम, इस तरह कर तो लिया है, वो तो हमने कर लिया ना, जो आपने भी करवाया है 9 के अंदर पार्टीशन किए। हाँ देखिए, उसमें यही बताना है कि द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 9 वेयर ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस, ठीक है, इज सेम एज द पार्टीशन ऑफ एन 9 इनटू पार्ट्स व्हिच आर नॉट कंग्रुएंट टू 1-1। यानी 1 से मुराद ये है कि उसमें 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। और जैसे कहा जाए कि 9 में तो बस यही है, जैसे कहा 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। 9 इटसेल्फ क्यों, 8 को डिवाइड करेंगे तो 6 से तो बाकी 2 आ जाएगा जैसे कहा जाए। तो यही है, ये तो हो गया कोई डिलीट करते हैं तो वो 21 नहीं बनते, तो कितने बनते हैं फिर? इस चीज की समझ नहीं आ रही। अभी आपने कहा कि हमने वो वाली पार्टीशनिंग नहीं लेनी जिसमें 1 से हटके कोई लिखा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। बात ये है कि नंबर ऑफ पार्ट, पहले वो देखो, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n वेयर ईच पार्ट्स अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस, यानी मिनिमम 2 दफा हो जैसे कहा जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मिनिमम 2 दफा आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ जी 7-1-1, तो मिनिमम है जी 22 बार है वो जो एट लीस्ट ट्वाइस आ रहे हैं। और ये जो है 1 और माइनस 1 के साथ कितने आ रहे हैं? इसका नहीं समझ आई, इसको काइंडली बता दें, वो मैंने निकाला बस। वो सुन, देखो ना, मैं बता, जैसे आपने लिखा है 7-1-1 जी, तो 7 को अगर डिवाइड करें 6 से 1 बचता है तो वो नहीं आना चाहिए, और अगर 1 को 6 से डिवाइड करते वही 1, तो 7-1-1 इसके अंदर नहीं आएगा। ओके सर, सर ये बात रिपीट कीजिएगा आपने जो भी बात की है, 7 अगर 1 है तो। नहीं नहीं, 7 अगर 1 नहीं है, अगर हम 9 में से 7-1-1 है, ये भी 9 के बराबर है ना, तो ये नहीं आएगा उसके अंदर। यार ये तो मेरे ख्याल मसला ज्यादा अंग्रेजी का आ रहा है इसके अंदर, आई फील। नहीं नहीं सर, इंग्लिश का मसला नहीं आ रहा, इंग्लिश का मसला देखो, जब ये लिखा हुआ द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n वेयर ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। सर जी इसकी समझ आ रही है, इसकी हमें बड़ी अच्छी समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे माइनस वन आ रहा है ना, कंग्रेंट नॉट कंग्रेंट टू माइनस वन, इशू सिर्फ माइनस वन में आ रहा है, वन का तो उत्तर। हाँ तो इसको देख करके देखे ना, देखे ना, 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना आएगा, यानी कंग्रेंट माइनस वन आएगा ना। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इसमें तो हम इसी में टाइम ज़ाया कर देंगे सारे का सारा, पहले वो कंप्यूटर का मसला था, 10 मिनट उसमें लग गए। तो ये पहले हम जाते हैं प्रूफ के अंदर, वी हैव टू शो, इसमें काफ़ी जनरलाइज्ड टाइप प्रूफ है इसका। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट डब्ल्यू एक्स एज गिवन इन 14 कहाँ है, ये रहा 14, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर। अच्छा ये जो है ना, इसमें 1 x 1 + x + x² तो x नहीं है, इसमें x स्क्वायर नहीं है, इसमें x क्यूब नहीं है, इसमें x 4 नहीं है, इसमें x 5 नहीं है, जो वन दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम चलते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो ये आ गया आपके पास, वी हैव टू शो दैट डब्ल्यू एक्स एज गिवन इन 14। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आ रहा है 1/x² 1/x³ 1/x² 1/x² 8 9, इसमें कौन कौन से मिसिंग है, 1 - x मिसिंग है,
तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो यानी वन अपॉन एक्स नीचे आ गया, यानी इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें वन माइनस एक्स है तो वन माइनस एक्स ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया। उसके बाद फिर कौन सा नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब है, फोर है, फाइव नहीं है, तो ऊपर हमने वन माइनस एक्स फाइव से मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया इसी को, यानी इसी को। फिर सेवन नहीं है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये सेवन के बाद एट, नाइन, टेन, इलेवन, जब इलेवन को करेंगे तो एक बाकी बचता है ना, जैसे कहा जाए तो ऊपर वो माइनस वाला वो होगा, तो ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो देखिए ये आता जा रहा है, तो नीचे आएगा आई जी इक्वल टू, नीचे वाले सारे आ गए, अब वन माइनस एक्स भी यहाँ आ गया, वन माइनस ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, फोर भी है, फाइव नहीं था तो हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो इस यहाँ पर वो भी आ गया, तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ये ऊपर आ गया वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स फाइव सेवन, और फिर इसके बाद ट्वेल्व आ जाएगा, उसके बाद थर्टीन आ जाएगा इसके अंदर, तो वो सारे आ गए, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स आई, तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वन, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स फोर, ये सारा आ गया। अब इसको देखें ये कैसे लिखें, यानी सिक्स सिक्स और इसमें कैसे लिखें सिक्स पावर में, इसका तरीका यही है ये लिखने का, देखें कि आई इज इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी वन माइनस सिक्स आई वन इंटू वन माइनस सिक्स सिक्स आई फाइव। अगर हम आई इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स वो यहाँ पर है, अगर हम इसमें ये सेवन करते हैं, जी पहले वाले दो कैसे आएंगे, अगर हम x इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो ये आ जाएगा जीरो, तो ये फाइव आ जाएगा, तो ये एक्स फाइव वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स फाइव आ गया। अगर हम वन पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा सेवन, यहाँ आ जाएगा ग्यारह, तो उसके बाद सेवन तो ये है, एक्स सेवन के बाद ग्यारह ही आएगा ना भाई, माइनस वन के लिए देखें अगर दस है तो हम क्या करेंगे, छः से मल्टी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा या माइनस टू, दोनों सूरतें इसमें शामिल होती है, तो ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, अब इसके बाद इसको आगे चलाना है, यानी यहाँ से क्योंकि हमने ये जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सिक्स आए प्लस वन, जीरो पुट करेंगे तो वन माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो फाइव, तो पहले वाले दोनों आ गए, दूसरे वाले कैसे, i इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो सिक्स आई प्लस वन, सिक्स प्लस वन सेवन, और यहाँ आ जाएगा सिक्स प्लस फाइव एलेवन, इस सेवन के बाद एलेवन ही आएगा क्योंकि एलेवन को जब हम डिवाइड करते हैं तो बाकी बचता है फाइव, तो ठीक है, या माइनस वन बचता है, थर्टीन को डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, तो मॉड प्लस वन आ गया सिक्स, इज इट क्लियर नाउ, यस सर क्लियर है जी, हाँ जी सर, सर वो माइनस वन वाले का समझा दें जरा, वन ऐसे देखे ना, समझ आ गया कि अगर सेवन को हम सिक्स पे डिवाइड करें, जैसे आपने लिखा है सेवन, जी सेवन को आप डिवाइड करें वन आ गया वन, अच्छा अगर आप करते हैं डिवाइड फाइव को तो कितना आएगा, यानी उसमें एक ही कमी आ रही है, जैसे एक ही कमी आ रही है तो उसको माइनस वन रखें, सर वो इस तरह नहीं होगा कि हम सिक्स को बाहर रखेंगे फाइव को अंदर रखेंगे और डेसिमल पॉइंट लिखे और फिर वो सिक्स बन जाएगा, या तो आप उसको फाइव को सिक्स से डिवाइड करें या तो फाइव लिखें या माइनस वन रखें, इट्स द सेम थिंग, तो सर फोर के लिए क्या होगा फिर, जैसे सेवन है सेवन को डिवाइड करें सिक्स से तो वन आ गया ना, नहीं सर अगर फोर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फोर है तो फोर मोड सिक्स है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, फाइव के लिए आपने बता दिया कि माइनस वन आ जाएगा, फोर तो यहाँ फोर तो किस तरह आएगा, अगर फोर को डिवाइड करते हैं तो माइनस टू आएगा, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो वहाँ तो वन और माइनस वन की बात कर रहा है, वहाँ जो थ्योरम में प्रूव करना है वो वन है या माइनस वन है, फोर तो फोर को करेंगे तो माइनस टू आएगा ना, तो माइनस टू तो यहाँ है ही नहीं, वो तो होगा उसके अंदर,
जी सर माइनस वन अगर सर थ्री होगा तो जी अगर सर थ्री करें थ्री पे हम सिक्स को डिवाइड करेंगे तो फिर वो माइनस थ्री आ जाएगा यही कहना चाह रहे हैं आप क्या फिर से कहो तुम्हारे वाइफ में हमेशा ही मसला रहा है तुम्हारी बात मुझे बहुत कम समझ में आती है इसको कोई मसला है तुम्हारे या तो जब तो ऐसी जगह बैठे हो कमरे के अंदर बैठे हो जहाँ वाईफाई सही नहीं चल रहा है या फिर कोई कोई मसला है या बहुत दूर हो तुम किस जगह से बात कर रहे हो सर मैं तो मेरे पास ही टावर है मैं शकरगढ़ से बात कर रहा हूँ कहाँ से मेरे तो घर के तकरीबन शकरगढ़ से नारवाल के पास है मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या मसला है बहरहाल ये कि बहावल नगर से लोग बात करते हैं वो तो सही होता है एनीवे बहरहाल ये समझ में आ गया आपको कि देखो वहाँ जो कंडीशन है वन और माइनस वन की है फाइव डिवाइड बाय सिक्स ऑलवेज गिव यू माइनस वन और सेवन डिवाइड बाय सर मेरी वो बात सुन ले मैंने कहा अगर थ्री मोर सिक्स है तो उसका मतलब है फिर वो माइनस थ्री आ जाएगा आप उसको थ्री भी लिखे वो सीख है जीरो लेकिन यहाँ तो वन और माइनस वन है हमें तो वो देखने जो वन और माइनस वन पर वो मेरी बात मैं सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट जो है ना आगे चलते हैं अब देखो यहाँ आगे आ जाओ ऐसे तो ये मेरे ख्याल में नाउ सी हियर ये इसको मैंने इस लाइन को मैंने कहा था कि जिसके अंदर वन नहीं है तो वो सारे वही हैं यानी स्क्वायर वाले क्यूब वाले फोर वाले सिक्स वाले एट वाले और ये सारे वो आगे फाइव वाले नहीं थे यहाँ पर सेवन वाले नहीं थे तो मैंने यहाँ क्या किया इसको वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया इसी लाइन को वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया वन माइनस एक्स फाइव से सेवन से तो नीचे वाले सारे सही हो गए यानी वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन माइनस एक्स फोर ये सारे तो दैट्स व्हाई दिस इज आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स आई ऊपर ये आ जाएगा तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है ओके अब इसको देखते हैं कि हाउ वी कुड राइट री राइट डब्ल्यू एक्स जैसे ये है इसको हमने लिखा है डब्ल्यू एक्स को वन अपान एक्स माइनस एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा देखें जो आपका डब्ल्यू एक्स है वो 14 में दिया है ये रहा 14 ये वाला वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर ये सारा है तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे जैसे कहा जाए तो इसका तरीका यही है वो ये वाला वन माइनस एक्स और माइनस एक्स ठीक है डब्ल्यू को दोबारा लिखा दूसरा बार लिखा वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स क्यूब दो मिनट ठहरो बाहर कोई आया दो अच्छा जी अब जब इसको ये किया बाकी कैलकुलेशन है अलजेब्रिक टाइप इक्वेशंस हैं इनको ये किया है तो ये देख लें यहाँ पर तो ये सारा आ गया जैसे यहाँ वन है यहाँ टू है यहाँ थ्री है यहाँ फोर है फाइव है तो अगर आई है तो यहाँ भी आई आ जाएगा यहाँ भी आई आ जाएगा तो ये आ गया हमारे पास ओके ये दिस इज़ द प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट है ये वाला यानी ये एक ब्रैकेट ये प्रोडक्ट ये ब्रैकेट ये प्रोडक्ट अच्छा ये आया कैसे
वन अपॉन वन माइनस आई, इसको अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर वो जो पीछे हमारे पास जो 14 इक्वेशन थी उसमें लिखा हुआ था ना वन प्लस एक्स नहीं था क्योंकि वो एटलीस्ट ट्वाइस था, तो उसके अंदर से हमने माइनस एक्स भी किया और प्लस एक्स भी किया है, तो जब प्लस एक्स करते हैं तो उसका जनरेटिंग फंक्शन ये बनता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स साथ ऐसे ही आ जाएगा, और सेकंड वाले में हमने प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर किया। तो मकसद ये है कि ये जो है ना इसमें ज्यादा जो वो है एप्लीकेशन है वो उसकी इक्वेशन 14 की है डब्ल्यू एक्स की, तो इसको वहाँ रेफर, या अगर आपके पास नोट्स प्रिंटेड हैं तो उस पर लिख लें आप कि 14 मीन्स वो जो इक्वेशन दी गई है उसके साथ। ओके ये आ गया जी सर। अच्छा अब तो जब आपने इसको इसको सिंपलीफाई किया इसके साथ तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आई प्लस एक्स टू आई, क्योंकि ये माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ओके तो इट मीन्स कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी उसके अंदर यहाँ से, तो दैट मीन्स इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ये वाली, इसके बाहर तो ये आ जाएगी आई इक्वल टू 1 to infinity 1 माइनस एक्स आई, बाकी ये बच गई। ओके अब इसको ये यूं समझिए कि कैसे है ये, यानी जैसे कहा जाए कि इसको आप सिंपलीफाई कैसे करें, आई इज इक्वल टू 1 to infinity 1 माइनस एक्स आई, सर इसको 1 प्लस x से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए ऊपर वाला फार्मूला अब कंप्लीट। हां तो ये उसमें ये आ जाएगा जी सर, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो बस फिर तो खैरियत ही खैरियत है, फिर तो आपको सारा समझ में आ गया और क्या है जैसे कहा। क्योंकि ये क्लियर है, ये ने नोट्स देखे थे ऑलमोस्ट सारे ही नोट्स। मेरी बात सुनो आयशा, ये तुम्हें क्लियर है और इतने इसको आप डिवाइड करें 1 प्लस एक्स आई और मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स आई से, तो ये आ जाएगा, ये अपनी जगह है। इसको देखें 1 प्लस एक्स 3 आई, ये किसके बराबर आ गया, ये वाला 1 प्लस एक्स 3 आई और ये 1 प्लस 3 आई प्लस 2, इसको सिंपलीफाई किया जब। ओके तो व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट, इसको हमने चेंज कर दिया माइनस 3 आई और ये मल्टीप्लाई ये वाला ये आ गया इससे, इसको भी ऐसे किया व्हिच इज सेम एज एस एक्स, तो ये सिंपलीफिकेशन है, अलजेब्रिक टाइप इज इसकी कैलकुलेशन है, तो आपके पास ये आ जाएगा एकदम यही आ जाएगा। ओके सो दैट इज द आइडिया वी जस्ट वांट टू गिव यू, कि फिर देख लिया जी आपको, पहली बात तो ये कि ये समझ में आया कि माइनस कब लिखेंगे प्लस कब लिखेंगे, तो जैसे 4 है, 4 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो 4 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस टू का तो कंसेप्ट है ही नहीं, यहाँ तो है प्लस 1 और माइनस 1, तो 5 आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसके बाद आप देखते जाएं 13 आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो वो इसमें वो होते हैं। तो आपने ये करके देख लिया है नहीं किया कि जो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे आपके? पहली बात ये कि इंटीजर पार्टीशन पर जाएं मैथमेटिक में, वहाँ से पहले सारे वो निकाल लें इसके इंटीजर पार्टीशन 9 के। सर मेरे 22 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं, पता नहीं अब कहां से मिस्टेक आ रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि जिसका जिसके बराबर किसी का बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सर 22 ही आ रहे हैं, पहले मैंने काउंट किया था 21 थे, अब 22 मैंने देखा दोबारा रीचेक के 22 आ रहे हैं। आपने आपने लिखे हैं अलग से? सर अलग से लिखे नहीं है, मैंने जो आपने जब करवाया था ना उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने दोबारा उसे काउंट भी किया अपने पास। अच्छा तो ऐसा करो इसको लिख लो और फिर मुझसे शेयर कर लो ताकि मैं सबको दिखा सकूं, क्योंकि बजाय इसके इसके कि मैं बैठ के लिखूं आप दोबारा से, ये तो करो ताकि ताकि ये जो है ना आपका ये समझ में आ जाए, सही तरीके समझ में आ जाए। मैं उसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और भी ऐड कर देता हूँ, मुझे दिखा दें आप, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी वही बेहतर आपके लिए, वरना तो फिर वही है जैसा कहा जाए।
बना लिया आपने या मैं आगे चलूं फिर? नहीं तो एनीवे लेट्स गो टू द अदर वन क्वेश्चन है यहाँ पर कि इज देयर एनी आइडेंटिटी व्हिच स्टेट दैट द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन व्हिच ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट थ्री टाइम्स. अच्छा, ये जो थ्री का डेट नाइन का डेटा है इसको अपने पास रखें और अब आ गया थ्री टाइम्स, यानी मिनिमम थ्री टाइम्स. अगर वन 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 चार दफा आ रहा है तो जो वो सही है, अगर दो दफ़ा आ रहा है तो वो काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर. जैसे नाइन जो है वो थ्री 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 वो ठीक है. अगर मैं लिखता हूँ कि इससे कम है, जैसे सिक्स थ्री है तो ये वन से भी कम है, मकसद ये नहीं होगा. इस फॉर ऑल एन इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इनटू पार्ट्स टेकन फ्रॉम सम फिक्स्ड सेट एस एंड सो व्हाट इज दिस सेट एस. इसके बारे में अब ये है कि वी हैव टू गो थ्रू इट. ओके, तो बात वहीं से चलेगी जो कि ये है. अगेन वी माइट वेंचर अ गेस सिंस इन द केस ऑफ वंस आयलर्स थ्योरम द सेट एस वाज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड इन केस ऑफ ट्वाइस द सेट वाज the set of numbers not congruent to 1 plus 1. दो के लिए ये था और वन के लिए odd numbers का था. ओके, वट वी शुड थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ सेट ऑफ एस. तो इसको अब हमने देखना है कैसे करना है. तो इसके लिए ये है कि लेट्स अज्यूम दैट देर एग्जिस्ट सच ए सेट एस एंड नोटिस एलिमेंट वही है ए वन ए टू सच दैट ए वन इज लेस देन ए टू ए ए थ्री लेस देन ए फोर और इस तरीके से. देन वी नीड टू डिटरमिन ए वन ए टू ए एन सो दैट द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन वेयर ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट थ्री टाइम्स रूट बाय आर एक्स. जो थ्री टाइम्स इज इक्वल टू द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इनटू पार्ट्स नोटेड अगेन बाय एस एक्स. आर एक्स क्या है? जो कि द पार्टीशन ऑफ एन इनटू पार्ट टेकन फ्रॉम द एस. ओके, एट लीस्ट थ्री टाइम्स. So what is Rx? So Rx is obtained by deleting from each of the sum in the parentheses of 6 in the proof of theorem 3 the second and third term, that means x1 x square in the first
एक्स स्क्वायर एक्स फोर इन दिस, यानी कि ये टर्म हमने ख़त्म करने हैं, और इस तरीके से तो ये आ गया आपके पास वन प्लस एक्स क्यूब एक्स फोर दूसरे में, यानी कि पहले तीन टर्म इसमें पहले कौन से टर्म थे, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वो तीनों ख़त्म कर दिए, तो एक्स क्यूब से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स फोर ख़त्म कर दिए, वो भी तीन टर्म, तो एक्स सिक्स आ गया, इस तरीके से एक्स नाइन में एक्स थ्री एक्स सिक्स वो ख़त्म कर दिया, एक्स नाइन से शुरू करते हैं, और एक्स ट्वेल्व का मकसद है कि वन प्लस एक्स एक्स क्यूब और एक्स सिक्स सॉरी एक्स फोर एक्स एट फिर एक्स ट्वेल्व आ गया, वो ख़त्म हो गए, यहाँ पर एक्स फाइव एक्स टेन और फिफ्टीन ये आ गया, तो ये एक सेट बनता है जिसको हमने ये आर एक्स होगा। अब इसको देखते हैं क्या कुछ क्या करना है, अब इसको शो करना है मुझे जस्ट इक्वल टू एस एक्स। अब एस एक्स क्या आएगा ये सिर्फ सोचना है, आप भी सोचिए मैं भी अगले सफ़े पे चलता हूँ फिर, तो इस तरीके से है जैसे कहा गया मामला, यहाँ देखें ये वन प्लस एक्स क्यूब एक्स फोर ये असल में वही है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो पहले तीन टर्म निकाल दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स सिक्स पहले तीन टर्म निकाल दो तो बाकी ये बचता है। सर इस पे फिर हम लिस्ट में थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ देखते हैं ना। अच्छा अब अगेन इफ वी से दैट आर एक्स इज इक्वल टू एस एक्स, इफ आर एक्स इज इक्वल टू एक्स एस द टर्म विथ लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन आर एक्स विच इज क्यूब, ये क्यूब आ गया, लोएस्ट पार्ट इज एक्स क्यूब मस्ट इक्वल द टर्म्स विथ लोएस्ट पार्ट एक्स फोर इन एस एक्स दैट इज विच इज एक्स ए वन सो दैट ए वन इज इक्वल टू थ्री, बराबर अगर होगा तो ए वन, सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर एक्स बाय वन माइनस एक्स थ्री, ये ए वन इज इक्वल यानी ये आ गया ना, तो वन प्लस तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो वो कैंसिल हो जाएगा उससे, ओके तो बाकी हमारे पास आगे ये आ गया वन प्लस एक्स एक्स फाइव सॉरी एक्स फोर एक्स फाइव ये आ गया एक्स फोर एक्स फाइव, बाकी तो वही हैं बाकी वही रह गए, तो अब हमें देखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा टू ए टू, तो ए टू हमारे पास वही आ गया फ्रॉम व्हिच इट फॉलोज दैट ए टू इज इक्वल टू फोर, ये इसके अंदर ये वाला, क्योंकि अगर ये हम शुरू करते हैं ना यहाँ फोर शुरू करते हैं तो फिर फाइव आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, तो ये आ गया जैसे पहले, ओके मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स फोर वी गेट फाइव और एट और ये आगे देख लें अगर वन माइनस एक्स फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस वन, ओके सॉरी क्या हो गया, जब फोर से एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाकी ये क्योंकि तीन तीन का फर्क आ रहा है तो इस तरीके से ये आ जाएंगे, उसके बाद ए थ्री फाइव आ जाएगा फिर वन माइनस एक्स फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सिक्स आ जाएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये सारे का सारा ये हो जाएगा, ओके दैट्स द आइडिया, बड़ा ही सिंपल है, मकसद ये कि सिर्फ देखना पड़ता है कि कौन से टर्म रह रहे हैं कौन से नहीं रह रहे तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपके यहाँ नमाज वगैरह कब होती है, हेलो 5 बजे या 5:15 बजे, सर 5:10 पे, 5:10 पे, तो मकसद ये है कि इस किस्म के थ्योरम जो है ना वो तो एक ये थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं दिया गया, इसको आप देखें अगर आप कर सकते हैं तो जो लास्ट में है द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन वेयर ईच पार्ट अपीयर एट लीस्ट के, दो का किया तीन का किया चार का भी कर सकते हैं पाँच का भी कर सकते हैं, सो इज़ नॉट फॉर ऑल एन इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन एन इंटू पार्ट्स टेकन फ्राम एनी सेट ऑफ इंटीजर्स बट व्हाटसोएवर इफ के इज ग्रेटर देन टू, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आदमी ट्राई करे तो
देखो आइडिया यही है, देखें इस पूरे कोर्स के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के पास, या जो जिससे आप इसको सबको प्रूफ कर सकते हैं, वो ये है इंटीजर पार्टीशन। इंटीजर पार्टीशन और जनरेटिंग फंक्शन दो चीज़ें हैं जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझो कि ये मैं समझता हूँ कि ये इतना मुश्किल कोर्स नहीं है। उसकी मैनिपुलेशन है सारी सिर्फ बस, और कुछ नहीं है। देखें एक तो वन प्लस एक्स है तो वो अपनी जगह, लेकिन अगर वन अपॉन वन प्लस एक्स है तो वो और चीज़ है। वन प्लस एक्स तो ख़त्म हो गया वहीं पर, वन प्लस एक्स जैसे कहा जाए। और अगर वन प्लस एक्स आई है जैसे यहाँ पर ये दिया था, देखें यहाँ जो लोग ज़्यादातर वो हो जाते हैं, अटक गया क्या सर जी? सर मेरा थोड़ा सा एक थोड़ा पीछे से पूछना, मैं जरा हाँ जी यहाँ से नहीं नीचे सर। यार आप ऐसे करें किसी और को बता दें, आयशा को बता दें, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी आपका, वो बीच में जो है ना वो अटक जाता है बिल्कुल, मुझे फिर समझ में नहीं आती कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। चले मैं बताता हूँ आप, देखिए एक तो जो आपने दो मिनट वन माइनस आप सर सही आ रही है। देखिए इसमें जो है ना ये इक्वेशन 16 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस एक्स फोर, वन माइनस एक्स सिक्स, और ये जो है ये इसके बराबर कैसे आई है नीचे वाले के? ये तो देखो ना, यानी यहाँ देखें वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स नहीं है यहाँ पर नीचे, ये मैं अभी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ वन माइनस एक्स से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई ऊपर की या नीचे वन माइनस एक्स यहाँ आ गया, क्यूब है, फोर है, फाइव नहीं है, तो उसी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, तो इसमें क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स क्यूब। लेकिन मजे की बात यह कि यहाँ उन्होंने लिखा ही नहीं है, जो आथर है उसने बड़ा सिंपल समझा है इसको, लेकिन एक नए बंदे के लिए ये काफ़ी हेडेक है कि भाई ये आखिर नीचे कैसे आ गया। तो उसका क्योंकि इसको हमने लिखा इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स आई, यानी एक्स आई की वैल्यू वन भी है, टू भी है, थ्री भी, सारे आ रहे नीचे, तो जो नीचे बच रहे थे उसको ऊपर ला कर रख दिया। तो ये एक वो चीज़ है जो कि आपको यानी समझनी पड़ेगी। हाँ जी मुझसे पूछें क्वेश्चन कौन सा है मेरे ख्याल में, नहीं तो ऐसे करें कि ये निवास हाँ 7:00 मेरे पास चार। हेलो जी जी सर नीचे स्लाइड करें और जहाँ से सर वहाँ ये जो पीछे वाला सवाल करवाया ना जहाँ वन माइनस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया उसके आगे मैं पूछना है। ये वाला पोर्शन नो सर अगले उस पे आगे है आगे वाली स्लाइड पे होगा। अब ये हाँ जी यहाँ पर है सर, मैं दूसरे नोट से बताता हूँ सर, 19 पेज पे है हाँ जी यहाँ पर है। अच्छा 19 ये 17 है हाँ जी ये 19 है जी जी यही सर, यहाँ से 1 माइनस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, ये नहीं मुझे समझ आ रही है कैसे आया। हाँ इसको देखो ना वो जो आर एफ एक्स है ये है ना आर एफ एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स क्यूब से तो देखिए क्या आता है, ये नहीं आएगा उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना वन माइनस, ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वन माइनस एक्स क्यूब, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें यू विल एंड अप द रिजल्ट व्हिच इज गिवन हियर, क्योंकि इसको वन से किया तो ठीक है, अब उसके बाद किससे करेंगे, थ्री से करेंगे माइनस से, तो माइनस एक्स क्यूब एक्स
एक्स सिक्स, ये सारे आ जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें ना, जब आप मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करें वन माइनस एक्स क्यूब से, तो इसी को मल्टीप्लाई करें पहले वाले उसको, देखो बाद वाला तो वही लिखा गया है, बाद वाला डैश डैश ये है, इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको, आप ऐसे करें नहीं ये वाला इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जब वन माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस, तो एक तो यही आ जाएगा एक्स फोर और ये साथ साथ में, बाकी क्या बचेगा एक्स फाइव एक्स सेवन ये, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें क्यूब से। तो सर वो इन्फिनिटी तक नहीं था जाना चाहिए, वो रुक गया तीन टर्म तक की रुक गई है। मैं बताता हूँ, नहीं मेरी बात सुनो ना, मैं बताता हूँ आपको, अपनी बात पढ़ ली, मेरे ख्याल में पाँच बज के पाँच मिनट हो गए, तो मेरे ख्याल में पाँच बजे, हाँ पाँच बज के छः मिनट हो गए बल्कि, तो आपने वो भी करना है, मैंने भी नमाज पढ़नी है, तो बीस पे मिल लेते हैं फिर। नहीं सर बीस पे नहीं ला जाना है ना, सवा पाँच बजे होनी है। चलो 25 मिल देते हैं फिर। ओके चलिए ठीक है।
हेलो आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही। अच्छा ठीक है, अब देखें ना ये जो इक्वेशन है ये नीचे वाली, इसको आप इसको मल्टीप्लाई करें वन माइनस एक्स क्यूब से। तो जब वन से करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स। अब इसी को करें आप एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये एक्स सिक्स। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यानी कि वन प्लस एक्स फोर यही वाला आ जाएगा, एक्स फोर प्लस बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये बाकी तो वैसे के वैसे दे आर गोइंग टू इन्फिनिटी, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बीच वाले तो बाकी सारे ख़त्म हो रहे हैं, बाकी यही बच जाएंगे। ये समझ में आया, यानी कि वन प्लस एक्स क्यूब, और अगर कहें तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ये तो बड़ा सिंपल सा। अब समझ में आ रहा है या मैं करके दिखाऊँ आपको? भाई ये जो इक्वेशन है ये वाली आर एक्स, इसको ये जो पहला इसका वो है फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करें वन माइनस एक्स क्यूब से। वन से करेंगे तो यही आ जाएगा, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब से करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स सिक्स आ गया, तो इसमें से क्या निकल गया, एक्स क्यूब निकल गया। बाकी यहाँ जो थे यहाँ आ जाएगा एक्स फोर, एक्स फाइव, और बाकी एक्स सिक्स यहाँ से आ रहा है, एक्स सेवन आ रहा है, वो सारे बाद में सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी यही बच जाएगा, इसलिए ये वाला पोर्शन आ गया। जी सर क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया ना, तो ये आइडिया है इसका जैसे कहा गया। अब इस तरीके से फोर, आप फोर से करेंगे तो फिर आप देख लें कि इसी को करेंगे फोर से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब, तो इसमें क्या बचेगा, यानी एक्स फोर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बच जाएगा, और तो इसलिए ये यहाँ पर ये आ जाएंगे जैसे कहा जाए। वी आर गेटिंग दिस वन। बाकी नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं कि वो नेगेटिव है साथ उनके, इस वजह से आ रहे हैं। जो मेरी आती है मैं आपको बता देता हूँ, जो नहीं आती आप ऐसे करें ना किसी और को कहते हैं वो मुझसे डिस्कस कर ले, मैं उसको आप उससे क्वेश्चन करें वो मुझसे बात कर लेंगे। सारे एक मत चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये इसके पिछली वाली स्लाइड में ना क्वेश्चन नंबर थ्री है, उसमें सेट फिक्स्ड करते हैं, तो वो कैसे सेट फिक्स्ड करते हैं, उसकी आपने कोई एग्जांपल नहीं बताई। और वो तो ये यहाँ वाली सर मैं क्वेश्चन नंबर थ्री है पीछे स्लाइड में। नहीं नहीं कौन सी बताता हूँ पेज नंबर। नहीं नहीं पहले बताता हूँ एक मिनट, इसको तो पूरा कर लो ना पहले, जो चल रहा है बाद में पीछे आते हैं। चलिए ठीक है, पहले इसको पूरा करो, ऐसे सही नहीं है। ये सर तो इसमें बाकी तो चीज़ें आप खुद ही मेरे ख्याल में, फिर x4 है, फिर x5 है, x6 है, इसी तरीके से करते जाएं, यू विल एंड अप लाइक दिस वन। ओके, तो ये था जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें से था। अब हम चलते हैं। हाँ अभी मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ मसला आ रहा है आपको, कौन से पेज में मसला आ रहा है, मुझे पेज नंबर बताएं। सर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18। 18 जी सर, ये रहा पेज नंबर 18। हाँ इसमें क्या है, इसमें ये है कि ट्वाइस की जगह थ्री इसमें रिप्लेस किया गया है। यहाँ कहाँ मसला पर आ रहा है आपको, ये इक्वेशन 17 में मसला आ रहा है। हेलो हेलो जी सर वही वाला जो इक्वल टू द पार्टीशन ऑफ 10 इनटू पार्ट्स टेकन फ्रॉम फिक्स्ड सेट, ये फिक्स्ड सेट कौन सा होगा? ये क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा हुआ ना वो थ्राइस के आगे है, जो इक्वल है उसके आगे।
Rx is equal to 1 plus x cube? No, no, sir. ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है कि इज देयर आइडेंटिटी व्हिच स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ पार्टीशन व्हिच से मुराद ये है कि हां आइडेंटिटी से मुराद ये है कि Rx is equal to Wx कब होता है, वो कौन सा सेट है उसके लिए, ठीक है वो है ना, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n into पार्ट टेक फ्रॉम सम फिक्स्ड सेट, ये फिक्स्ड सेट कौन सा है ये बता दें। तो यही तो यही इसी का तो आंसर ये दे रहा है यहाँ पर, ये जो भी कराया है ये इसी का आंसर है, व्हाट इज द सेट ऑफ एस, यही एस है, हाँ ठीक है ना, जो ये बताया है आपको यही इसका आंसर है। सर इस क्वेश्चन में वैसे भी उसने ऊपर लिखा हुआ है कि एट लीस्ट थ्री टाइम्स, तो इसीलिए उसने थ्री को थ्री तक फिक्स करके पहले दो टर्म करके और फिर आगे कंटिन्यू किया तीन से, यानी पहले उसने दो टर्म काट दिए यहाँ पे, जबकि पिछले क्वेश्चन में उसने एक और निकलेक्ट किया हुआ था। देखिए ना ये जो इक्वेशन बनी हुई है 17, इसमें ये है कि हर एक उसमें पार्टीशन में जो है वो पहले देखो ना उसमें क्या था, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है बकायदा व्हिच ईच पार्ट अपीयर्स एट लीस्ट थ्री टाइम्स, तो ऑब्वियसली यहां नहीं पहले भी ये देखो ना 70 से ऊपर भी लिखा हुआ है कि x1 + x2 इन द फर्स्ट सम और सेकंड में क्या है x2 x4 थर्ड में x3 x6 ये सारे काटे गए हैं, ठीक है। अच्छा जी हाँ आयशा आप तुम बताओ तुम्हारा कहाँ मसला है, मुझे पेज नंबर बताओ। सर एक यहाँ पे इसी स्लाइड में ना, एक मिनट में पेज बताती हूँ, थ्योरम नंबर था 3 और 4, स्लाइड 8 थी। पेज नंबर क्या है, स्लाइड नंबर 8 सर, स्लाइड नंबर 8, हाँ जी 8 स्लाइड में जरा आए, ये रही 8, हाँ जी इसमें सर ये मैंने देखा था इस पे ये ऑड और डिस्टिंक्ट पार्ट के हवाले से, तो ये माइनस आता है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे, एक तो करेक्शन है, यानी यहाँ पे कहाँ कहाँ आई माइनस वन आता है, प्लस वन नहीं आता ये इक्वेशन 8 में। अगर आई माइनस वन जी सर, टू आई माइनस वन आएगा ये, यस सर ये 2i-1 आता है। नहीं देखें ना अगर हम रख देखें मेरे पास वैल्यूज पुट करके देख लें आप, सपोज इसमें i is equal to 1 पुट करें तो क्या जवाब आएगा, 3 नहीं आएगा 1-x आएगा ना सर, अगर हम 0 पुट करें सपोज तो 1 आएगा, अगर हम नहीं 1 कैसे आएगा, वहां 2i+1 है सर, मैं आई की जगह पे रिप्लेसमेंट आई की जगह पे रिप्लेस करनी है ना टर्म्स, हाँ तो एक्स वन आ गया ना, 1-x आ गया ना फिर, हाँ जी 1 ठीक अच्छा, हो गया अब टू फुट कर अब नहीं अब मुझे बताओ अब इसको ऊपर ले जाएं आप तो ये आ जाएगा 1-x^-1 जी ओके, तो इसका जवाब क्या आएगा, ये नहीं आएगा ये वाला दिया आप एक दफा सर आप एक दफा इससे अगले पेज पे जाइएगा। नहीं पहले मुझे यहाँ बताओ ना कि यहाँ देखो कि जब देखो वहाँ ले रहा है आई इज इक्वल टू 1 to infinity ये डी एक्स और ये जो है ये जो सिग्मा एक्स टाइप दिया गया है ये है आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2+3 आ जाएगा 1-x³, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा फिर, क्योंकि अगर हम i इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं 1 आता है, i इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं फिर 3 आता है। सर देखिए हमने जो डिस्टिंक्ट पार्ट के लिए प्रोडक्ट की फॉर्म में ली हुई प्रेंसेस वो यही है 1+x^i, ठीक है ये जो ऊपर है 1+x^i, अब ये एक्चुअल में 1+x^1, 2, 3 सो ऑन नहीं है, मे बी यहाँ पर डिस्टिंक्ट पार्ट में कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। नहीं ये जो 1+x^i है इसके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट आएंगे जी, वही कह रही हूँ डिस्टिंक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि 2 भी आए, मैं भी कोई एक दो छोड़ के गैप होने के बाद आए, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन पे। नहीं यहाँ देखो आई जो है ना आई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है तो ये सारे ये आई इक्वल टू 1 है ना 1 से लेकर ऑनवर्ड्स तो ये तो सारे आएंगे इसके अंदर। अच्छा सर अब ऑड पे आए जरा, ये जो नीचे इक्वेशन नंबर 8 है अच्छा इसमें क्या है,
इसमें सर मुझे लगता है कि यहाँ पे प्लस आना है, फिर मैंने इसको एक दो ये देखा है, विकीपीडिया पे भी देखा था, एक यूट्यूब लेक्चर पढ़ा था वहाँ पे भी देखा था, वहाँ उन्होंने माइनस के थ्रू करवाया हुआ है, प्लस नहीं है। 2i माइनस 1 है यहाँ पर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लस ही आना है आयशा, यहाँ प्लस ही आएगा ना अगर हम यहाँ पुट करते हैं सर। जैसे जैसे सर कह रहे थे कि अगर जीरो पुट करते हैं तो आपके पास ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये बटे के नीचे ही आएगा ना, अगर बटे के नीचे आएगा, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास प्लस के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तो ये प्लस में ही आता है सर। सपोज आप इसमें जीरो पुट कर दें, हाँ ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी एक्स, जीरो पुट किया तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी, हाँ ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएं, देखें ना 1 माइनस एक्स आ गया ना फिर तो, हाँ जी 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ऊपर ले जाएं तो आप देखें कि फिर, अच्छा फिर आप लिखें i is equal to 1, तो ये 3 है, 1 माइनस x 3 आ गया ना फिर तो, i is equal to 1 से इसको ऊपर ले जाएं तो 1 माइनस x क्यूब और माइनस 1 जी। सर ये एक दफा नेक्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट वन, हाँ से क्लियर हो जाएगा, हाँ जी इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ जी तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ ना सर, जैसे अभी यायशा कह रही थी ना, ये है 1 माइनस x ये देखें ना 1 माइनस x, हाँ जी x क्यूब x 5 x 7 तो सर ये सर एक दफा पीछे करें सर, अब एक दफा पीछे करें, अब आप 2 पुट करें इसमें तो 5 आएगा ना, तो 5 आएगा, तो 3 कब आएगा फिर जब 1 पुट किया, 3 आ जाएगा, i is equal to 1, i is equal to 1 पुट करें तो 3 आ गया, ये देखो ये दिया गया है, ये वाला 3 वर्न आएगा ही नहीं, देखो ना 1 माइनस इसको 8 को इससे करें क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, तो आप इसको करके देख लें जरा, dx इसके बराबर है, dx ये है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स से, डिवाइड करें 1 माइनस एक्स से और फिर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, डिवाइड करें इसको। असल में ये मैंने देखा इस बुक में ये थोड़ी सी कोताही की इन्होंने, या तो वो जॉर्ज एंड्रू इतना बड़ा प्रोफेसर है कि उसको ये चीज़ें जहन में नहीं आती कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको मसला होता है, यहाँ इसको लिखना था कि मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से। तो देखिए ना ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर आप देखें कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये आगे वाले से, तो आप क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये वही आ रहा है ये वाला, तो ये सही है जी सर, ऑड वाले आ जाएंगे सारे, हाँ सारे ऑड वाले आ जाएंगे जी सर, आ जाते हैं इसके अंदर वो कैंसिल होकर सारे वही आते हैं ऑड वाले जी सर, ये ऑड वाले आ जाएंगे सर। नहीं देखिए ना, अगर हम ये कहते हैं कि 2i माइनस 1 ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 पुट किया तो फिर तो माइनस 1 आ गया वहां पर, x पावर माइनस 1 आ जाएगा जी सर, उससे गलत हो जाएगा, 2i माइनस 1 से तो वो फॉर्म ही नहीं बनती, 2i प्लस 1 से ही बनेगी, माइनस 1 नहीं आना क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ इंटीजर n इनटू ऑड पार्ट्स है जो कि इक्वल है कि पार्टीशन ऑफ इंटीजर n, ये गलतफहमी है तुम्हारी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा जी लेट्स गो फर्दर नाउ, बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आ गया आपके, ये असल में dx को इसी में चेंज कर रहा है, ये dx लेके ना ये वाला जो है इसको इसमें चेंज कर रहा है, यानी 1 माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद वो यही आ रहा है जो यहाँ कुछ दिया गया है, इससे सेम एज दिस वन, ये बिल्कुल करेक्ट है सर, करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खैर कभी कभी टाइपो मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि जब आदमी इतनी बड़ी किताब लिखता है या वो, तो लेकिन उसके सारे कोई 7-8 बंदे और होते हैं जो उसको चेक करते रहते हैं, वो सारे उसके PhD के शागिर्द MSA MPhil के शागिर्द यही होते हैं, और यहाँ अगर मैं किसी को कहता हूँ यार हम किताब लिख रहे हैं हमारा साथ दो, तो वो कहते हैं नहीं सर मैंने तो स्कूल के पेपर चेक करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। पूरी
टीम होती है जब वो किताब लिखते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ एक पूरी टीम होती है, ऐसे नहीं होता। ओके लेट्स गो फर्दर नाउ। ये कहाँ है, अच्छा जी ये है, इसमें देख लें कि दिस इज लेक्चर नंबर 7 फार्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शंस। ओके इसमें यही है कि ये उसी का हिस्सा है जो पहले है, उसी को आगे लेके चलते हैं कि ये है कि मुख्तलिफ फार्मूले कैसे इस्टेब्लिश किए जाएं। पहले वाले में था कि हाउ टू कैलकुलेट इट। ओके अपना उससे क्या नाम है जी, तीन ही शेयर हो रही सर। अच्छा हाँ सारी ठीक ओके। चलो जी ये है, अब इस पे आते हैं। अब यहाँ जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है, अभी कुछ और शुरू कर देंगे हम। तो इन दिस लेक्चर आवर प्राइमरी फोकस विल बी ऑन पी एन एम। पहले पी एन एम था, अभी पी एन एम है, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन विथ ईच पार्ट लेस देन इक्वल टू एम इन टर्म्स ऑफ आवर प्रीवियस नोटेशन। पी एन एम मीन्स पी ऑफ एन एम मीन्स पी एन, एन इज ए गिवन, इसके पार्टीशन पार्ट्स इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू एम। ओके जी वी सी इमीडिएटली दैट देयर इज एग्जैक्टली वन पार्टीशन ऑफ ए गिवन इन, यानी पी एन वन, अगर वन वन करते हैं एन का तो ये एक ही आएगा, पी ऑफ एन वन एक ही है। अच्छा इट इज नॉट मच डिफिकल्ट आल्सो टू ऑब्टेन फार्मूला फॉर पी एन टू। एनी पार्टीशन ऑफ एन इन टू वंस एंड टू इज यूनिकली डिटरमिन्ड बाई दी हाउ मैनी टूज आर यूज। तो टू के अंदर तो एक ही दफ़ा टू यूज होगा, बट बिकॉज ऑफ वंस यू नो द नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ टूज में वन वन है, द रिमेनिंग पार्ट्स आर जस्ट वन वन। तो सो वी हैव वी बिटवीन एन अपॉन टू। ओके सो देर इज ए यूनिक पार्टीशन ऑफ एन इन टू वी दैट इज टू एस and n minus 2v. Okay, that is 1s, 1s jaise kaha jata. So in such condition, we just show that p of n 2 is equal to n upon 2. Ab ye kaise hai ki jaise p n 2, jaise 2 le lein to 2 hi aa jayenge. Maine yahan thode se calculate likhe hue the, usko dikha deta hu main. जैसे आप लें यहाँ पर किधर गया, हाँ जैसे ये है, आप इसमें लिखें n इज इक्वल टू 6, p ऑफ n 2 यानी 2 कितने हो गए, 6 डिवाइड बाय 2 मीन्स दैट इज 3, 3 प्लस 1 1 हो गया, यानी 4 हो गया। तो आप देखिए इसके जो 6 के 6 में जो आएंगे
पार्टीशन कितने आएंगे, 6, 5 प्लस 1, 4 प्लस 2, 3 प्लस 3, ओके, इन लेस देन इक्वल टू m, जैसे कहा जाए. सो वेयर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी वो फ्लोर है और क्या नाम है, सीलिंग होता है इसके अंदर. तो इस तरीके से हाउ अबाउट द, वी कैन ट्राई द सेम आइडिया फॉर n इज इक्वल टू 3. पहले आप इसको पहले पी एन टू को करके देख लें. पी एन सिक्स में देखें कितने नंबर आते हैं आपके पास. एन इज इक्वल टू 6, तो कितने आएंगे जो इंटीजर आएंगे इसके अंदर, यानी लेस देन और इक्वल टू 2, 1 और 2 के जैसे कहा जाए पास पास. तो मेरे पास जो है ना वो 6 के जो है वो ये है, 5 1 है, 4 2 है, 3 3 है, जिसमें 2 आते हैं और कोई नहीं है, तो 4 हो गया. अच्छा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप निकालें n इज इक्वल टू 3, पी एन 3, तो इसमें कैसे आएगा, यानी कि सारी 3 में कैसे आएगा, तो 6, 5 प्लस 1, 4 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 1 1, 3 3 2 1 और 2 2 2, तो ये हो जाते हैं 7. देखिए आपके 7 आते हैं ये फार्मूला 6.2 से. 6.2 से कितने आते हैं करके देखें, ये ज़रा कीजिए. यानी यू कैन ट्राई द सेम आइडिया फॉर पी एन 3, दैट मीन्स एन उसके 3 पार्ट्स तक कितने समेशन आएगा, बट थिंग्स गेट समवेयर ट्रिकी. द रीजनिंग वी जस्ट यूज पी एन 2 विल क्विकली कन्विंस यू दैट P of n 3, where v belong to 0 to n upon 3, 3 minus 3 v 2. और ये वैसे इसको लिख सकते हैं जैसे वहाँ पहले लिखा था, ओके, n minus 3 v divided by 2 1. देखें ये आपके पास कितना जवाब आता है इसका, इस इक्वेशन का कितना जवाब आ रहा है. क्या आप लोगों ने, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है आवाज सर. अच्छा देखें इसका जवाब क्या आता है फिर आपके पास. ये जो क्वेश्चन 6.2 है, अगर मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में 6 ही पुट कर ले, देखें कितना जवाब आएगा. फोर टू वन तो 7 हो गया, 3 में 4 2 1, तो मैं तो 6 की बात कर रहा हूँ अभी, 6 का बताएं, 6 का.
सर आप ही करते हैं, हमें नहीं समझ आ रही है वी की जगह पे क्या पुट करना है सर। यार वी की देखो कीमत वहां बता रहा है जी इज नो वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n बाय 3। तो n जो है वो अगर 6 है तो 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 2 हो गया ना। दैट मींस 0 से लेकर 0 और 2 तक यानी 0 1 एंड 2 तीन वैल्यूज में पुट करनी पड़ेगी ना। n इज इक्वल टू 6 है यार। अब ये भी अगर आपको नहीं आया तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी और क्लास में जाना चाहिए। आपको जहाँ मसला आता है जहाँ लिखा होगा ना कि लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू एन बाई थ्री वहाँ आप लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल समेशन की साइन है, पहले वी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 दैट मीन्स सॉरी 6/2 मीन्स 3, 3+1, 4 आ गया। उसके बाद अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 3/2 आवाज आई थी हाँ जी सर। इसमें जो आप v की बात कर रहे हैं, v बेसिकली है क्या चीज, तो हम वो तो फाइंड कर लेंगे ना, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। v बेसिकली है, v एक वेरिएबल है जिसकी यानी लिमिट ये यहां पर है ना, देखें इससे पहले वाली जो उसमें आ रहा है यार ये काम ही नहीं करता, पता नहीं कभी कभी सर इसकी कितनी आ जाएगी 4/5/2 and 1 5/2 कितना होगा, 5/2 कितना होगा देखें ना, इस फार्मूले में अगर पुट करेंगे पहले 0 पुट करें तो n माइनस 0 मीन्स n की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 3, 3 एग्जैक्ट इंटीजर है तो 3+1 हो गया, 4 आ गया। उसके बाद v इज इक्वल टू 1 पुट करें आप तो कितना आ गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 मीन्स 3 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 1 तो 2 आ गया 1. हाँ और 3 में से क्या चीज सर 1.5 आएगा, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 और इसकी लोअर वैल्यू है कितना आ गया, ऊपर 3 आ रहा है ना, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है तो वो 1.5 आएगा। अच्छा सर 3 माइनस 3 में 3/2 1.5 तो 1 हो गया ना उसका जी, ठीक है ओके। उसके बाद आपने इसमें 2 लेना है तो 6 माइनस 6 0 तो वो 1 रह जाएगा तो कितना हो गया, ये पहले कितने आए 4 2+1 तो 7 हो गए ना, कितने जवाब आए आपके पास, हाँ 7 आएगा इसका जवाब। अब मुझे बता कि अगर इस तो इस तरीके से अब आप मुझे बताएं कि 8 के लिए क्या होगा, चलें 8 के लिए देखते हैं क्या कैसे आएगा। सर n is equal to 8 हाँ उसके लिए देखें कितना आ रहा है, 8 minus 3 अगर 1 रखते हैं तो भी मेरी आपको फार्मूला का यूज नहीं करना आता यार, कहाँ बैठे हो तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आता कि सर 8 के लिए 10 आ रहा है शायद, 8 के लिए 10 आ रहा है जी सर। अब मैं कैसे कहूं कि ये सही है गलत है सर कोई और करता है उसके साथ मैच कर लेते हैं, किसके साथ
कोई और करेगा तो उसके साथ मैच कर लेंगे। टेन आ रहे हैं। टेन तो फिर आप मुझे लिखवाएंगे यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो तो आई कैन, वो तो उसमें है ना मेरे ख्याल में, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है चेकिंग की कंसेप्ट है। आशा आप सही बात नहीं बताती, आप पार्टी वो यूज़ कर रही हैं, क्या नाम है इसका, मैथमेटिकल यूज़ कर रही हैं। नहीं सर, मैंने बाय हैंड ही किया था, मैथमेटिक्स का यूज नहीं था किया। नहीं ये देखे ना, वो उसमें फार्मूला है वैसे मैथमेटिक्स का, में इसको ढूंढने का। आपने कितना बताया है? 10। अरे मैं भी चेक कर लेता हूँ। नहीं आ रहा सर। हैं? 10 नहीं आ रहा? 10 आ रहा सर, 10 आ रहा। 5, 3 और 2। हाँ 10 ही है, सही है बिल्कुल, ठीक है सर। ये मैथमेटिक पे सॉल्व करके दिखा देंगे कैसे होगा, हमें तो नहीं पता मैथमेटिक का। आप ही ढूंढे जाके उसके अंदर, इसमें जाके ढूंढे जो हेल्प कमांड है ना, इफ यू गो देयर यू विल फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर क्या लिखे हैं सर वहां पे हेल्प कमांड में? मैं कहता हूँ ये देखो ना, जब आप खोलते हैं ना इंटीजर, वो इंटीजर नहीं बल्कि ये जो मैथमेटिक्स है, तो उसमें हेल्प कमांड आती है। जी सर आती है। उसमें आप देखें, उसमें इंटीजर पार्टीशन लिखें, उसके बाद उसके मुख्तलिफ वेरिएशन है, उसमें जाके देखें तो आपको चल। ठीक है सर, ठीक जी सर। सर ये जो 6.3 = 7 आया है, इसका मतलब क्या है? 6 + 3 = 6 देखो, जिसमें पार्टीशन 3 तक हो, उससे कम हो या 3 हो, बस देखो कितने आते हैं। यानी कि एक पार्ट कम से कम 3 टाइम आ सके, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ 3 या उससे कम, ठीक है सर। देखो कितने आते हैं, देखो सही कितने आते हैं।
जी आ रहे हैं अभी आपको? अब सेवन आया नहीं आया? ये यही वाले होंगे ना, 3+3, 3+2, 3+1, 1+1, 2+2, 3+2, 1+1, 1+1, इस तरह वाले आएंगे ना सर? पहला यही होगा ना? सेवन है नहीं है सर? आ रहे हैं, सेवन आ रहे हैं, सेवन आ रहे हैं ना? लेकिन सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये स्टार्ट 3+3 से होंगे ना, और फिर 3+2, 1 आएगा या कैसे? हाँ। या 6, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये नहीं समझ में आ रही ना सर? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब 3 है ना, तो जो 3 है वो 3 मतलब एक से ज्यादा मतलब आ सकता है या क्या? नहीं, देखे ना, ये अभी तक जो हम करा रहे हैं इसमें तो सब कुछ ये यूज हुआ है। देखो जब एक पार्टीशन है, जैसे 6 है, इसके 3+2+1, ये भी एक पार्टीशन है ना? जी जी सर। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट है। अच्छा, तो यही वो कह रहे हैं कि इसके जब हमने 6 लिया तो इसके मैक्सिमम पार्ट्स 3 होने चाहिए। वो कितने नंबर, वो कितने हैं ये? जब एन थ्री का मकसद ये है कि उसके अंदर 3 पार्ट्स हों या उससे कम हों। अब समझ में आई बात? जी सर। जी सर, यही होंगे फिर। ये 6 होगा, 5+1 होगा, और 4+2 होगा, 4+1+1 एक ये हो जाएगा, और 3+3 हो जाएगा, और 3+2+1 हो जाएगा, और उसके बाद 2+2+2 हो जाएगा, तो 7 हो गए। जी सर, हो गए सर। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ओके जी, तो ये यहाँ पर था। अब हम इसको देखते हैं कि इसको और तरीके से कैसे करें। ये आपके पास आ गया, लेट्स गो फर्दर। इट टर्न्स आउट तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला आ गया, एंड इफ यू आर ग्लूटन फॉर पनिशमेंट यू कैन प्रूव दिस फार्मूला स्टार्टिंग विद द अबव सम। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात जो ये आ रही है आगे, इसको देखेंगे कैसे है। अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये जो आगे जो कुछ भी आ रहा है। ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दिया गया है जो कि आपको याद रखना। पहली बात तो ये है कि ये इसके बाकी हिस्से में द अप्रोच रिक्वायर दैट यू नो द फेमस बायनोमियल सीरीज, ए टॉपिक विल रिटर्न इन चैप्टर 7 में आ जाएगा, इसके बाद आएगा। लेकिन ये है कि जैसे n इज इक्वल टू 0 to infinity और n+m चूज m पावर क्यू पावर n इज इक्वल टू 1-q m-1, ये इसके बराबर। इसको अगर आप राइट हैंड साइड को अगर ओपन करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, तो वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ n+m डिवाइड चूज m है। और n+m चूज m का मकसद ये है कि n+1, n+2, m+3 और ये आ जाएगा n+ just equal to n+m
फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल, जैसे लिखते हैं ना हम, यानी कि 8 चूज 3, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये है एन प्लस एम, एम उसमें से निकल गया, तो ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास, ये वाली। सिमिलरली इफ एम इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑफ कोर्स द समेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ये क्यू एन, क्यू पावर एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस क्यू, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यही आ जाएगा क्यू एन, यानी ये वो चीज़ें वो बता रहा है जो कि अभी हम यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। ओके ओके जी, अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये है ना, इफ यू डिफरेंशिएट 6.4, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एन यहाँ आ जाएगा क्यू पावर एन माइनस वन, यही होगा ना, तो ये आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा वन माइनस क्यू टू। ओके, तो इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद तो ये था कि n इज इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी क्यू एन वन अपॉन वन माइनस क्यू, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये n यहाँ आ जाएगा क्यू एन माइनस वन, तो वो ये आ गया, और ये वाला तो ये आ जाएगा वन अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज जस्ट लाइक दिस, n प्लस वन चूज वन क्यू एन वन माइनस क्यू पावर माइनस टू, ये इस तरीके से इसका क्यूब भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर 6.5 को अगेन डिफरेंशिएट इसी को, तो n इंटू एन माइनस वन, और ये टू और ये थ्री आगे आ जाए। सर, इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने n को रिप्लेस किया है n प्लस वन से, तो यही आता है। नहीं 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 नहीं, उसका ये है कि पहले आप इसको खोल के देखें, इसके खोलने से क्या आता है? सर, इसको तो खोलने का फायदा नहीं, इसको तो टर्म ऊपर ले गया ना, तो पावर माइनस हो गई है राइट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड की बात ये जो आएगा ना, हाँ, इधर आप n की जगह जस्ट n प्लस 1 रिप्लेस की है, आप करके देख ले, ये एक्सेल में जो बाहर n पड़ा ना 6.5 इक्वेशन में, ये n सी 1 है, n को आप n प्लस 1 लिख दें तो फिर साथ ही जो q की पावर है उसमें भी n प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 साथ वाले माइनस 1 से कट हो जाएगा। मेरी बात सुने, आप जो कह रही हैं वो इसलिए सही नहीं है कि इसको रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस 1 से, तो फिर यहां से इधर नहीं इधर तो डेरिवेटिव ही लिया है, इधर डेरिवेटिव ही लिया है, अगला स्टेप आया है, इसको वो कह रहा है नीचे व्हिच मे बी रीराइट एज, रीराइट में उसने n को n प्लस 1 से रिप्लेस, हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है वो ठीक है, लेकिन आपको जो है ना ये कहाँ से आएगा, ये इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो उससे अगर आप देखेंगे तो ये वाला फार्मूला आएगा उससे, ये वाला, और इससे ये आएगा, दोनों तरफ से सही है ये। जी सर, पर बायनोमियल थ्योरम आपके जहन में होना चाहिए, वरना ये नहीं है। इस चीज़ इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगर इसको करती हैं डिफरेंशिएट तो आपको थोड़ा सा मसला आएगा, तो बेहतर ये कि इसी को रखें, इसको n इंटू n माइनस वन, ये आ गया, तो इसके लिए फार्मूला फिर ये आ जाएगा, वही है वाला, वही n को रिप्लेस करें। तो ये थोड़ा सा वो था, बेसिक आइडियाज था जो कि आपको बताना था जैसे कि। ओके, अब चलिए आगे, इसके बाद जो है ना, अब एक अलग थलग से फार्मूला ढूंढना चाहते हैं, किसके लिए? फार्मूला पी एन थ्री के लिए, तो ये तो है, लेकिन स्क्वायर क्यूब, तो इसको देखते हैं कि
कैसे करना पड़ेगा? चैप्टर फाइव में मेरे ख्याल में चैप्टर फाइव से फिलहाल वो उसको ऑफ एक्सक्यूज मी सर सर ये आई गेस ये रब नवाज का स्पीकर ऑन है, काफी डिस्टॉर्शन है, या तो इसको म्यूट कर दे, उसने खुद ही कर लिया। आप बोलने आगे अभी मैं या तो मैं सबको फिर रिमूव करूं, म्यूट कर दूं सबको ही। अब ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या करना चाह रहे हैं। देखो मैं अब ट्राई कर लिया, मैंने किया, फिर करना पड़ेगा मुझे। नहीं मैं कह रही हूँ उन्होंने कर लिया है, गैस आप कंटिन्यू। अब किया, अब मैंने दोबारा किया। Anyway, let's go to this one. अच्छा ये है, अब ये हमने फार्मूला मेरे ख्याल में चैप्टर फाइव में देखा था जनरेटिंग फंक्शन के साथ, वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू स्क्वायर, वन अपॉन क्यू एम। तो अब इस पर आप देख लें कि वेन एन इज एम इज इक्वल टू थ्री we can do what we can do with the product on the right hand side of 6.6. we want to alter algebraically so that we can obtain traceable power series expansion. to ab isko ye jo hai isko kaise likhe, 1 upon q yahan 3 likhe, yahan par yahan n is equal to 3, m is equal to 3, तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू। अगर यहाँ क्यूब है तो 1 माइनस क्यू और इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? या मेरे ख्याल मुझे इस पर जाना पड़ेगा, दो मिनट। मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ये कैसे कहा जाएगा।
देखें अगर आपके पास ये है दिया गया वन डिवाइड बाय वन माइनस क्यू और वन अपॉन वन माइनस क्यू स्क्वायर और बल्कि वन अपॉन वन क्यू, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस क्यू वन माइनस टू वन प्लस क्यू, ये तो इसका आ गया क्यू स्क्वायर। और इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन वन माइनस क्यू और वन प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन वन अपॉन वन माइनस क्यू प्लस वन अपॉन वन माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन और ये क्या है वन माइनस क्यू क्यूब, तीन दफा आ गया ना, एक दो ये तीन, तो ये आ गया वन माइनस क्यू क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस वन अपॉन वन माइनस प्लस क्यू और प्लस जो भी यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल में ये अगर ये आ जाएगा ए ये बी ये सी ये डी और ई क्यू एफ और डिवाइड बाय वन प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसकी आपको पार्ट यानी इसमें यू हैव टू फाइंड आउट ए बी सी डी ई एफ, एक दो तीन छः आ गए, ये आपको निकालने पड़ेंगे भाई। ये तो आप कर सकते हैं ना, या आप क्या मैथमेटिक्स कर लें या बाय हैंड कर लें, उसका जवाब उसने दिया गया यहाँ पर। यानी मकसद ये कि देखें ना, ये जो था ये है वन अपन वन माइनस क्यू क्यू एक स्क्वायर क्यूब, इसको पांच हिस्सों में तकसीम कर दिया, वन अपन क्यू स्क्वायर मीन्स वन माइनस क्यू इंटू वन प्लस क्यू, ये आ गया। उसके बाद वन क्यूब जो है वो वन माइनस क्यू और इंटू वन प्लस क्यू और क्यू स्क्वायर, तो वन माइनस क्यू तीन दफ़ा आ गया, तो इसलिए आपको रखना पड़ेगा ए अपॉन वन माइनस क्यू प्लस बी अपॉन वन माइनस क्यू स्क्वायर प्लस सी अपॉन वन माइनस क्यू क्यूब फिर डी अपॉन वन प्लस क्यू और बाकी ये। तो ये मकसद था इसका। सो लेट्स गो फर्दर, ये आ गया हमारे पास। तो जब आपने इसको किया, जब आपने इसको नाउ वी कैन डू विद द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 6.6, वी वांट टू अल्टर इट अलजेब्रिकली सो दैट वी कैन ऑब्टेन ट्रेसेबल पावर सीरीज एक्सपेंशन। वन फर्स्ट थिंग ऑफ जी अरे ये मैं पेंट शो हो रहा है, वो नहीं स्लाइड शो नहीं हो रही। अब हो रही है, अब ठीक है। तो देखिए वहां हमने अब क्या पी एन थ्री निकालना है, तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया, थ्री आ गया हमारे पास। फिर एम इज इक्वल टू फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हमने सिर्फ जो है ना वो मेरे ख्याल में जस्ट फिनिश इसको थ्री पे ख़त्म कर दूंगा मैं। तो एम इज इक्वल थ्री तो ये आ गया वन माइनस क्यू वन माइनस क्यू स्क्वायर वन माइनस क्यू क्यूब, तो वन अपान इसके लिए वन अपान क्यूब आ गया। फिर क्योंकि क्यूब तक जा रहा था जो मैंने अभी बताया था, तो उसके लिए ये आ गया देखे ना वन अपान वन माइनस क्यू क्यूब वन अपॉन फोर वन माइनस क्यू स्क्वायर वन माइनस क्यू, ये पांच इसके ये जवाब दे दिया है उसने, उसका आंसर है ये। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये वही आ गया ई प्लस एफ, ई की वैल्यू टू है और पी की वैल्यू वन अपॉन नाइन आ जाएगा जी, ये आ गया हमारे पास। ओके अगर आप अब ये कहेंगे जी मैं ये भी करके दिखाऊँ, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, जैसे भी पाँच इसमें वो हैं जो कि अननोन है, इसको करेंगे तो यू जस्ट फाइंड आउट दिस वन। ओके, ये आएगा आपके पास। मकसद ये है कि
ये पी एन एम के लिए फार्मूला यही था जो कि अभी आपको बताया गया था, और ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, चैप्टर फाइव से आ रहा है, ये चैप्टर फाइव हमने किया है। तो इसके बाद यू जस्ट हैव दीज थिंग्स, तो अब इसको आगे तोड़ मरोड़ करना है। ये तो इसको सिंपलीफाई किया तो यू हैव दिस वन माइनस क्यू क्यूब वन माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको अगर हम मिलाते हैं आपस में ये वाला, यानी दिस इज अगेन सिंपलीफिकेशन, ये सिंपलीफिकेशन है मेरे भाई, ये वाले दिस इज ऑल सिंपलीफिकेशन। अब इसके लिए ना इट इज़ पॉसिबल बट टीडियस एंड अनप्रेजेंट राइट मैक्लॉरिन सीरीज, यानी इसके लिए भी मैक्लॉरिन सीरीज, इसके लिए भी मैक्लॉरिन सीरीज, इसके लिए भी मैक्लॉरिन सीरीज, इसके लिए मैक्लॉरिन सीरीज। ओके, सो देयरफॉर आपके पास ये आ गया मेरे ख्याल में, ये देखो वन इसकी मैक्लॉरिन सीरीज ये हो जाए आ जाएगी, क्योंकि ये आप देखें यहाँ पर अभी अब निकला था जैसे कहा जाए कि क्यू क्यूब के लिए मेरे ख्याल कहीं ना कहीं है यहाँ पर, इट इज़ गिवन समवेयर, पर मैक्लॉरिन सीरीज इसके लिए यही आएगी, ये वाली जो दी गई है। तो आगे फोर के लिए आ गया ये वाली आएगी, इसके लिए ये मैक्लॉरिन सीरीज वन अपॉन फोर, ये मैक्लॉरिन सीरीज, इसके लिए ये वाली, और इसके लिए ये वाली। ये आप देख लें वैसे चाहे, यू हैव टू स्टडी मैक्लॉरिन सीरीज अराउंड क्यू इज इक्वल टू जीरो पे आएगी, ये आ गई हमारे पास। सो इफ यू जस्ट सिंपलीफाई अगेन, इसको सिंपलीफाई करना है, यू जस्ट हैव दीज थिंग्स। ओके, इसको ज़रा देख लीजिए कि ये कौन कौन से इसमें से निकलते हैं, तो बाकी ये बच जाएगा। इसकी डेरिवेशन भी मुझे अभी उसने भेजी है इकरा ने, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने उसे कहा था मैंने कि जब तक मैं ये कराऊँगी आप ये कर लें थोड़ा सा। तो यहाँ से ये कैसे आ गया है? इसकी वैल्यू कि ये वाली आ जाएगी माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन पॉइंट ट्वेल्व और ये ज़ीरो और वन पॉइंट फोर, वन पॉइंट फोर है ये वाली, वन पॉइंट ट्वेल्व यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ये आ गई और ये वाली और वन पॉइंट थ्री थ्री वन सही है। ठीक है, तो ये कैसे आई इसका मैं बता देता हूँ आपको, आई विल गो देयर। मैथमेटिका को निकालना पड़ेगा। लेट्स गो हियर, ये डेरिवेशन है, ये भेज देते हो ना, ये उसके लिए था पहले n प्लस टू चूज टू क्यू एन, वो जो अभी बताया था मैंने, और ये वाला ये जो है ना देखना, ये वन अपॉन सिक्स एन गो टू जीरो टू इन्फिनिटी एन प्लस टू चूज टू क्यू, ये इसके लिए मैक्लॉरिन सीरीज है, यानी यहाँ लिखते जाए वन अपॉन सिक्स वन माइनस क्यू क्यूब के लिए मैक्लॉरिन सीरीज ये होगी। आप निकाल के भी देख सकते हैं, जस्ट यूज मैक्लॉरिन सीरीज और डेरिवेटिव यूज करते जाए यू विल गेट दिस वन। ओके, तो इसके लिए अब हम देखते हैं इसके बाद कैसे चलना है। सो वी जस्ट हैव दीज थिंग्स हियर, कहाँ गया ये? ये भी नहीं है, अच्छा जी, तो ये देखिए ये वाली ये चारों टर्म है इसके अंदर भी मैक्लॉरिन सीरीज है, इसको हमने सिंपलीफाई किया। ओके, यू जस्ट सिंपलीफाई दिस वन, क्यू एन में कौन कौन से आएंगे, जो ये भी क्यू एन का है ये भी क्यू एन का है, तो क्यू एन कॉमन एन प्लस टू चूज टू प्लस वन अपॉन फोर,
और ये वाला क्यू स्क्वायर का, ये क्यू क्यूब का, ओके इसको सिंपलीफाई करते जाएं आप देखें ये सारा ये सिंपलीफाई किया हुआ है इसने, एन प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये तो वैसे ही रहेगा, ओके सो देयरफॉर ये सारा कराने के बाद यहाँ तक वही आ जाएगा जो पहले दिया गया है, तो इसको कोफिशिएंट जो है ना उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यू गेट द आंसर व्हिच इज़ गिवन देयर, ओके ये भी मैं आपको अभी मैं इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी आपको, ये वाला जो है यानी ये पी एन एन थ्री के लिए है, ये कब है लिख लें चाहे आप, ये यहाँ पर है इसकी वो है ये जो है 6.7 कैसे आया इसके लिए है जैसे कहा जाए ये जो है ना यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी यानी देखा ना ये और ये इसके क्यू एन का है इसको साथ मिला लेना है इन दोनों को और ये वाले अलग अलग हैं, यू जस्ट सिंप्लीफाइड देन यू गेट द आंसर, ओके यहाँ से आपको एन प्लस टू और टू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें इस किस्म की चीज़ें निकलेंगी, ओके यू एंड अप विथ लाइक दिस वन। तो ये है मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी, इसके अंदर एक और भी टॉपिक है, दो मिनट ठहर जाए, ये एन फोर का मैं इसको नहीं कराता आज क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आज के लेक्चर तक और पी एन थ्री तक के लिए है, यानी ये 6.8 तक जो आपको बताया गया ना ये वाला यहाँ यहीं तक है जैसे कहा गया, बाकी आप देख लें। हाँ जी अभी मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ कोई जी ये जो लिखा हुआ है वेयर एप्सिलॉन टेक्स द वैल्यू -1/3 -1/12 ये 0, 1, और 4 तो ये 0 कहाँ से आ रही है, ये मैं उसी में कह रहा हूँ ना कि मैं जो इसमें मैंने साल या मैंने इकरा से कहा था अभी कोई एक डेढ़ घंटा पहले, मैंने कहा जब तक कोई लेक्चर आया तो मैं इसके ये पॉइंट्स लिख दो थोड़े से, उसने लिख के दे दिए, मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ वो, ओके ठीक है उसको मैं अलग से भेज रहा हूँ, ओके तो अब यही है कि अच्छा दूसरा ये है कि ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई भी सीन क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि दिस इज ओपन बुक एग्ज़ाम, तो ओपन बुक एग्ज़ाम में कोई सीन क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए आपको थ्योरी पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और न्यूमेरिकल टाइप पे भी जो क्वेश्चन है उसमें भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी आएगा वो आपने पढ़ा होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे कहा है, ओके ये इतना मेरे नज़दीक ये इतना क्योंकि पहले मैंने भी एक कोर्स दिया था उस पर यंग टेबलों पे, उससे ये थोड़ा सा आसान है, इसमें आपके सामने नंबर हैं, सारा कंसेप्ट दो चीज़ों से यहाँ आ रहा है, इंटीजर पार्टीशन मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटीजर पार्टीशन और आपका जो ये है जनरेटिंग फंक्शन, बस दो चीज़ों को लेके ये पूरी किताब चल रही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एनीवे अब ऐसा है कि आज ट्यूसडे है, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपका ये पेपर संडे को है ना, हेलो आयशा जी सर संडे को है 12 से 3। हाँ तो ऐसा है कि अगर फ्राइडे तक आप उससे जो और मसला आता है पढ़ें बैठ के सारे जो लेक्चर साथ के साथ हैं ये, और ये PN4 तक आगे नहीं मैं जा रहा इसलिए कि वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है वो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट पूरा नहीं होगा, तो उसका यही है कि इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं ताकि आप इसको पढ़ लें सारे को, फिर जो जो जैसे आज उसका क्वेश्चन था आयशा का तो वो कभी कभी आपके जहन में ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि किताब से नहीं मिलती जुलती, उसको एक्सेप्ट नहीं करता माइंड, तो फिर ये कि पूछना पड़ता है, तो अभी जब उसको बताया गया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे सही है तो फिर वो उसके माइंड ने मेरे ख्याल आयशा तुम्हारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया मेरे ख्याल में है जो आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर, या अभी भी वो कालता है सर। एक्चुअली आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं बट मैं भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ, इस सेंस की जो आपके पास क्वेश्चन था सर विवाद सर जो आपके पास क्वेश्चन था ना उसमें जो प्रोडक्ट था ना वो स्टार्ट हो रहा था आई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी,
हाँ बिल्कुल. और जो मैंने क्वेश्चन किया था ना उसमें प्रोडक्ट शुरू हो रहा था आई फ्रॉम वन टू इनफिनिटी, तो वन के लिए, हाँ तो वन के लिए माइनस आना जरूरी था, तो दोनों केसेस ठीक ठीक है. थैंक यू सर. तो आपने n = 1 कैसे ले लिया, i = 1 कैसे ले लिया, कहाँ था वो, ये आपकी तरफ से ले लिया आपने? नहीं सर, अपनी तरफ से नहीं लिया. जब हम डिस्टिंक्ट का ही वन से ले रहे हैं, आप वो निकाल के देखें, वहाँ डिस्टिंक्ट के लिए भी वन है, तो भी मुझे ऑड के लिए भी वन ही लेना पड़ा. अच्छा चलो ठीक है, बारह लेकर अब क्लियर हो गया. एनीवे जी आई विश यू गुड लक. अब अगले हफ्ते तो आपका नहीं होगा वो, तो मैं अभी दूसरी असाइनमेंट भी आपको दे रहा हूँ जो कि आपको फ्राइडे सैटरडे मिल जाएगी, अगले संडे तक आपको होगी, क्योंकि अभी तक हमने एक ही असाइनमेंट की है और उसमें मैं कहता हूँ थोड़ा सा कोर्स आगे चले, अब कोर्स काफ़ी आगे चले. इंटीजर की दूसरी असाइनमेंट भेजेंगे पेपर के बाद ही भेज दें, संडे के बाद ही भेजिएगा. पेपर से पहले भेजेंगे, फिर आप उसको पढ़ते रहें जब भी टाइम मिलता है. तो अब ये जो है ना, हमारे पास 7 लेक्चर और हैं, 7 हमने 3 असाइनमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह हर 2 वीक के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी. एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज आस्क मी नाउ, क्योंकि मैं बस अब इसको क्योंकि मेरा गला खुश्क हो रहा है बहुत. सर काइंडली सॉल्यूशन भी सेंड कर दें, जो 2 क्विज हुए, एक का सॉल्यूशन तो आ गया लेकिन दूसरे का नहीं आया, और असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया. सॉल्यूशन का तो अभी असाइनमेंट का सॉल्यूशन अभी नहीं देंगे आपको सर, क्विज का भी नहीं दिया गया. नहीं वो मैं बात करता हूं ना, कहां मसला है उनके साथ. बट असाइनमेंट तो 28 तक है ना सर, वो असाइनमेंट स्पेक्ट्रल की है, हमारे जो क्विजेस हुए 2 हुए इंटीजर के. बस अब ये देखो ना क्या हमें और भी तो काम होते हैं, बाद में देखता हूँ, कल मैंने ऑफिस जाना, मैं देखता हूँ क्या है, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, किस किस्म का वो है. तो ये है आपने असाइनमेंट में जमा करा दी है सबने? Thank you.
क्लास सर, सर का मैसेज आया आप सारे लीव कर दें, सर ने अपनी क्लास में नहीं किया।